देश विदेश दे विच देख रही संगत टैलीविजन दियां समूह संगतां नूं मैं जतिंदर सिंह वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सदकना जावे। अज असीं मना रहे हां भाई मणि सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा। तो संखेप विच इतिहास दसण वास्ते बाबा राम सिंह जी मुख सेवादार दमदमी टकसाल संग्रामा बटाला जो सानू इस इतिहास के नाल जाणू कराउणगे, भाई मणि सिंह जी के इतिहास तो जाणू कराउणगे ते दसणगे। बाबा जी संगतां जानना चाहुंदियां ने कि भाई मणि सिंह जी दी सिख कौम नूं की वड्डी देण है जी। समूह संगत देश विदेश दियां जो संगत टीवी वेख रहियां ने सारयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई मणि सिंह साहब जी का शहीदी दिहाड़ा जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा वसदा है, बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना नाल इस दिहाड़े नूं मनाउण दा यतन किया जा रहा है। उस महान शहीद की कौम नूं बहुत वड्डी देण है। ये नारा जिहड़ा आम सुनन विच आउंदा है सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, इस नारे ते उस महापुरख ने जिंदगी च पहरा दिता ते अंतम शहादत दा जाम पीता। लौंगोवाल नगर संगरूर दे नेड़े जिथे बाबा जी का जन्म स्थान है उत्थे भाई काला सिंह दे ग्रह विखे जन्म लैके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब दे शरण विच आनंदपुर साहब दर्शन करन आए, अमृत छकिया ते सतगुरां नूं समर्पित हो के श्री आनंदपुर साहब भी सेवा संभाल जुट गए। पोथियां दी संभाल करनी, गुरबाणी दा पाठ सीखना पढ़ना नितनेमी बने और गुरु की सेवा विच तत्पर हो के रहना। सतगुरु जो जंगा युद्धां तो वेले होए ने तां कौम दा पंजवां तख्त जिहड़ा तख्त श्री दमदमा साहब दा पवित्र स्थान है, जदों सतगुरु जी उत्थे गए तां उस समय खालसे ने एक सतगुरां नूं बेनती कीती सी, जिहड़ी बेनती दा प्रातन इतिहास ये गल कहिंदा वी श्री आनंदपुर साहब ही घटना एक वापरी सी। अमृत वेले सिख बाणी पढ़ रहा सी, दक्षिणी ओंकार उसने आरंभ कीती, उहदियां पहलियां पौड़ियां जी अजे उह सिंह पढ़ रहा सी क्योंकि उदों गुटके पोथियां देने प्रबंध नहीं सी। एक सिख तो दूजा सिख जवानी पाठ कंठ करदा सी ते उह सिखण दा यतन करदा सी ते पुछ पुछ के जां कच्चे कागज़ ते पैंसलां लिख लिख के शब्द याद कीते जांदे सी, पर उदों गुटके पोथियां अजकल वर्गे नहीं सी। पर सिख बड़े पक्के सी, नितनेमी बड़े सन, बाणी कंठ वध तो वध सी। साडा एक आम अखाण सी, एक खालसे दा बोला सी, रुपया गंठ बाणी कंठ। बाणी ओ जिहड़ी कंठ होवे ते रुपया ओहड़ा गंढ पल्ले होवे। पुरातन समें च्यों चलदा सी, अजकल वर्गियां लाइटां बिजलियां दे प्रबंध नहीं सी। खालसा जंगलों च दिन कट्टी भी करदा रहा, हुण तुरद्या फिरद्या लुकद्या मैदाने जंग च काम करद्या जंगलों च रहिंदियां कई बार हनेरा हो जाए तो फिर दीवा बत्ती का प्रबंध कोई नहीं तो फिर सोदर दा जां कीर्तन सोले दा नितनेम फिर बाकी रह गया। खालसा इस गल तो बड़ा सुचेत सी भी बड़ा नितनेमी सी तो सारी बाणी जिहड़ी आ वध तो वध कंठ करदा सी। सिख आनंदपुर साहब अमृत वेले दक्षिणी ओंकार पंज ग्रंथी का नितनेम कर रहा सी। उहदे मुख विच तुक सी भी करते की मित करता जाणै कै जाणै गुरसूरा दी थां ते उहने पढ़िया के जाणै गुरसूरा। कलगीधर सतगुरु गरीब नवाज अमृत वेले आपणे बंगले विच सन, उहनां जदों सुणिया तां उस वेले उहनां ने आवाज़ मारी सिंघा बाणी सोध के पढ़। पर सिंघ आपदे ध्यान नाल पढ़ी गया, सतगुरां ने फिर दुबारा आवाज़ मारी सिंघा बाणी सोध के पढ़ नहीं सुणिया। उहने तीजी वार आखिया सतगुरां ने नहीं सुणिया। अखीर सतगुरां ने अपने गुरवई सिंह नूं भेजिया भी इहदे मूँह ते चपेड़ मार के आओ। वो दौड़ के गया, उहदे मूँह ते चपेड़ा मार के आया। जदों सिख आपदे आनंद च बाणी पढ़दा रहा, अमृत वेला होया, गुरु का दरबार सजिया। सजे दरबार च उहने उठ के गल च पल्लू पा के बेनती की, सतगुरु जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਗੜਵਈ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੱਢੀਏ ਕੱਟੀਏ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗ ਮਾਤਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਜੂ ਜੋ ਜੱਬੈ ਬਡੋ ਮਰਤ ਬੋ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਢਾਬ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬੋ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਯੋਧਾ ਕਮਰਕਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਯੋਧ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ 24 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1659 ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰਾਮਸਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਵੀ ਉਠਾਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਠੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾਂ ਸਿਆਹੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ,
भाई मनी सिंह तुहाडी लिखण दी सेवा होवेगी। बेनती की सतगुरु जी मैनू लिखना नहीं आउंदा। सतगुरु कहण लगे अगमी कलम चलेगी तुसीं इह यतन करो। सो भाई मनी सिंह साहब जी नूं लिखारी ला के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां दा समा आनंदपुर साहब दमदमा साहब बैठ के धन गुरु ग्रंथ साहब जी का 31 राग रागणियां समेत सरूप सारा भाई मनी सिंह तो लिखवाया। तुहानू याद होवेगा जिहड़ा करतारपुर साहब वाला सरूप गुरु अर्जन साहब ने लिखवाया सी उहदे च 30 राग रागणियां अंकत ने। दसम पातशाह ने 9वें पातशाह की बाणी का 31वां जैजावंती राग लिखवाया जिथे जिथे गुरबाणी रागों के मुताबक 9वें पातशाह की सी उत्थे उत्थे लिखवा के भोग पा के संपूर्णताई जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब की वह दमदमा साहब बैठ के करवाई। अमृत वेले सतगुरु गुरबाणी उचारिया करते सी लिखवाया करते सी। शाम के दीवान विच फिर सिंघां नूं उह जिहड़ी विद्या सी गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ पढ़ाउणे सतगुरु गुरबाणी दे अर्थ करके पढ़ाउंदे रहे। 48 सिंघ सी पढ़न वाले विद्यार्थियों विचों 9 महीने 9 दिन का समा जिहड़ा सी सतगुरु ने उत्थे ला के गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण कथा जिहड़ी है सतगुरु ने अपने गुरसिखा नूं इह ब्रह्म विद्या दी दात झोली च पाई। उस पवित्र तख्त नूं सतगुरु जी ने क्या सी साडी गुरु कांशी होवेगा। बैल बुद्धि वाला मनुख भी आ के इत्थे विद्या पढ़न दा यतन करे ते उहनूं भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होवे। गुरद्वारा लिखण सर साहब है जिहनूं लिखणा ना आवे उत्थे लिखण दा यतन करे। सतगुरु ने बहुत उत्थे वरदान बख्शे। फिर सतगुरु गरीब नवाज ने जदों अपने मिथे प्रोग्राम के मुताबक अगे जाना हजूर साहब नूं सतगुरु ने जाना सी नादेड़ दी धरती नूं तां इन्हां दोहां गुरसिखां दी फिर सतगुरु ने ड्यूटी कोल सद के लाई। भाई मनी सिंह साहब बाबा दीप सिंह साहब जी ने हुक्म किया भी तुहाडी असी अगे एक ड्यूटी लाउण लगे हैं। वह ड्यूटी है भी जिवें असी तुहानूं ब्रह्म विद्या पढ़ाई है तुसीं ये ब्रह्म विद्या आने वाले समय से विद्यार्थियों आने वाले गुरसिखा इस तरह पढ़ाउणी है प्रणाली अगे चलाउणी है सीना बसीना ये तुहाडी ड्यूटी होवेगी। इतिहास ये गल कहिंदा है कि दोवें गुरसिखा ने हाथ जोड़ के सतगुरां नूं बेनती की भी सतगुरु जिहड़ा आनंद तुहाडी रचना तो बचन सुन के अमृत रूप कथा सुन के आनंद बनिया है शरीरां दी सुध बुध तो भी परे हो गए बधे मुक्ति नूं प्राप्त हो गए हैं सच्चे पातशाह बड़ा जीवन विच आनंद बन गया तो इस आनंद विच करे आने वाले समय च कोई फर्क ना पै जाए। सतगुरां ने बचन कहा सी भाई मनी सिंघा तेरा भावें बंद बंद भी क्यों ना कट्टिया जाए पर इस आनंद विच फर्क नहीं पवेगा। भाई दीप सिंह साहब नूं कहा दीप सिंघा तेरा सिर तां धड़ नालों वक्खरा हो सकदा पर सिंघा इस आनंद विच कोई फर्क नहीं पवेगा। फिर हजूर सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दोहां गुरसिखां दी ड्यूटी बाबा दीप सिंह साहब नूं हुक्म कीता भी गुरु कांशी अस्थान है तो इत्थे तुसीं विद्यार्थियों नूं ब्रह्म विद्या पढ़ाउणी है। बाबा दीप सिंह साहब की ड्यूटी लाई। बाबा जी सतगुरु दे नाल हजूर साहब तक गए बाबा गुरबख्श सिंह जी भी गए। जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई दित्ती है गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हजूर साहब 5 सिंघां नूं ताबिया खड़े किया उन्हां च बाबा दीप सिंह बाबा गुरबख्श सिंह जी भी उन्हां 5 सिंघां दी ताबिया च खड़े होण वाले सिंघ सी। सतगुरु दे हुक्म नूं पा के जदों सतगुरु ज्योति और समा गए बाबा जी वापस आ गए इत्थे रह के उन्होंने 4 सरूप तुरकी बाणी के गुरु ग्रंथ साहब के गुरमुखी पातशाह विच बाबा जी ने लिखे सन जिहड़े 4 तख्तां ते अज भी सरूप सुभायमान ने। हजूर साहब जिहड़ा सरूप है मैं उस तो भी कथा की दर्शन की दिवाली ते प्रकाश हुंदा है। जिहड़ा हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब सरूप है वो जो जलाओ साई देने हरिमंदर साहब सरूप का प्रकाश होंदा करीबन उन्होंने सोने की सारी जिल्द तैयार की है। 11 साल मैनू इस भाग प्राप्त रहा उस पावन सरूप से मैं कई बार हुक्मनामा संगत नूं अमृत वेले भी तो शाम नूं भी सरवण करवाया सुखासन की सेवा प्रकाश की सेवा करन दा सबब बनता रहा। सो ये 4 सरूप बाबा जी ने लिखे। 5वां सरूप बाबा जी ने
अरबी भाषा च लिखिया अरब कंट्री संगत नूं दिता। एक बाबा जी का सुंदर गुटका है जिवें अमृत कीर्तन पोथी हुंदी ने रागी सिंघां कोले सहज दा, मैं उहदे वी दर्शन कीते ने। तां उह दमदमा साहब तख्त साहब ते उह बाबा जी का सुंदर गुटका है। दसवीं दी बाणी दा जिहदा जो कुछ लोग वाद विवाद खड़ा कर रहे ने, उहदे चों बहुते चरित्र जिहड़े ने सुंदर गुटके च बाबा जी दे ने। चारे सरूपां दे पत्रे लिखाई वेख लो, वह गुटका वेख लो, उत्ते लिखिया भी बाबा जी का सुंदर गुटका है। तख्त साहब ते सुभायमान है। एक बार मैं उहदे दर्शन किए जदों आम चौपाई साहब का पाठ जिहड़ा वह सगरी सेट दिखाए या चौम भाव पढ़ते हैं, साढ़े दमदमी टकसाल च पाठ सानू पढ़ाया जाता सिगरी सेठ दिखाए या चौम भाव। मैं बाबा जी का वह सुंदर गुटका जो दर्शन किए चौपाई साहब का पढ़िया तो उस भी सिगरी पाठ लिखा सी जो कि सीना पसीना संप्रदाय चल रहा। सो बाबा दीप सिंह की ड्यूटी उत्थे सतगुरु ने लाई, भाई मनी सिंह साहब जी की ड्यूटी सतगुरु ने श्री हरिमंदर साहब की सेवा संभाल की जिम्मेवारी बाबा जी ने लाई भी तुसी हरिमंदर साहब जाके सेवा संभाल करो, नाल दे नाल उत्थे ब्रह्म विद्या भी विद्यार्थियों को तुसी इसे तरह पढ़ाउणी। ये दो टकसालां बाबा मनी सिंह वालियां बाबा दीप सिंह साहब वालियां सीना मसीड़ियां जिहड़ियां जिहड़े गुरु की कृपा नाल चल रहियां ने, ये गुरु कलगीधर गरीब नवाज ने हथीं आप चलाईयां ने। बाबा मनी सिंह साहब जी ने इत्थे फिर सेवा संभाल करदिआं बहुत बिगड़ा उस समय के हालात सन, औखा समा सी, तत् खालसा बंदई खालसा का रौला भी इत्थे पिया। उस वेले बाबा जी ने एक चिट्ठी भी हरिमंदर साहब दियां हर की पौड़ च पाई जिहड़ी तत् खालसे दी चिट्ठी तार आई सी बंदईआं दी डुब गई। बड़े बड़े फैसले औखे समय च बाबा मनी सिंह साहब जी ने कौम की सेवा की। माता सुंदर कौर साहब जी दिल्ली निवास करते सी गुरु के महल, माता जी की आग्ञा नूं पा के कई बार उत्थे भी माता जी कोल भी जाना, उन्हां दी सेवा विच भी जाना, उन्हां दे हुक्म की पालना भी करते रहे। श्री हरिमंदर साहब की सेवा बड़े औखे समय जिन्हां समयां च बाबा मनी सिंह साहब ने की है उस समय च बहुत औखी सेवा सी, बाबा जी ने श्री हरिमंदर साहब की सेवा संभाल नूं तनदेही नाल निभाया। और सरकार तो मंजूरी लैके भी असी इत्थे दीपमाला का जोड़ मेला करना चाहते हैं, पंथ नूं इकट्ठा करना चाहते हैं। सरकार ने पहले मंजूरी दे देनी लेकिन अंदरों खोट सी, टैक्स भर के मंजूरी लैनी पैंदी है भी टैक्स दे देंगे, पर जदों मंजूरी दे दित्ती फिर ये कुटल नीति सी भी अपने आप ही सारा खालसा पंथ हरिमंदर साहब जुड़ जाएगा तो खालसे नूं खत्म करना सौखा हो जाएगा। जदों इस नीति का सरकार की नीति का बाबा जी नूं पता लगा, बाबा जी ने चिट्ठियां दोबारा भेजतियां भी कोई सिख दीपमाला दे जोड़ मेले ते हरिमंदर साहब ना आवे, सरकार की नीयत जिहड़ी है वह खोटी है, पंथ का नुकसान होवेगा, इस करके दीपमाला का जोड़ मेला कैंसल किया जाता है। वो जोड़ मेला बाबा जी के हुक्म के मुताबिक कैंसल हो गया, लेकिन सरकार ने आख्या भी सानू जिहड़ा टैक्स आ वह दिओ। बाबा जी ने जवाब दिता भी तुहाड़ी कुटल नीति तो सानू पता लग गया सी, असी पंथ नूं इकट्ठा नहीं होण दिता, कोई चढ़ावा ही नहीं चढ़िया, असी तुहानूं जो जोड़ मेला ही नहीं मनाया तो असी तुहानूं टैक्स क्यों उतारीए। लेकिन यह बहाना बनाया गया तो भाई मनी सिंह साहब जी नूं गिरफ़्तार कर लिया, लाहौर लिजांदा गया। उत्थे लिजा के जदों उन्हां नूं लिजांदा गया तो लाहौर दीआं संगतां ने बड़े यतन किए, लाहौर दीआं बीबियां ने उत्थों दीआं संगतां ने सजल नेत्रां नाल आख्या भाई साहब जी तुहाडे वर्गे कौम दे आला विद्वान कौम दे एडे सेवादार मिल नहीं सकते, टैक्स की कहड़ी गल असी अपने गहने ला के तुहाडे छाबे नाल तोल के तकड़ी च तोल के देण नूं तैयार हाँ, तुसीं इह गल मन जाओ। तो उन्होंने एको ही जवाब दिता जो इतिहास च मिलता है भी तन गंदगी की कोठड़ी हर हीरियां दी खाण, जे सिर दित्तिआं हर मिले तां वी सस्ता जाण। कोई गल नहीं, जो सरकार मेरे ते तशद्दद करना चाहुंदी है करन दिओ, पर गुरु की गोलक दा इक पैसा भी मैं जां अपने तन की सुरक्षा वास्ते नहीं खर्चना चाहुंदा, जो हो रहा गुरु के भाणे विच है। अखीर उन्होंने फतवा ला के भाई साहब का बंद बंद कट्टण का हुक्म किया गया,
नखास चौंक च बैठे बाबा जी जलाद जदों पहला वार किया ना गुट के उपर तो बाबा जी कह लगे खाड़ो जलाद की कर लगा कहने भाई साहब कोई दुख होया कोई तकलीफ हो गई है जे दुख तकलीफ महसूस करते हो तो साड़ी ईन मन जाओ साड़ी गल मन जाओ। बाबा जी ने कहा दुख तकलीफ वाली कोई गल नहीं मैं तेरी गलती की एक दुरुस्ती करनी चाहना है। कहिंदे की गलती है कहिंदे गलती ये है भी मेरे मालक का हुक्म सी बंद बंद कटवाउणा तेरे मालक का हुक्म बंद बंद कटना मेरे तीन तीन पोटे ने तेनू चाहीदा सी मेरे तीन तीन पोटे वलों कट के ते चौथा वार तेनू मेरे गुट ते करना चाहीदा सी तू पहला वार ही मेरे गुट ते करता जदों कि तेनू पहलों मेरे बंद जिहड़े उंगलों दे ने कटने चाहीदे सी। जदों ये जलाद ने भाई साहब की जबान तो रसना तो यह गल सुनी तो कि इतिहास ये गल कहिंदा है कि जलाद जलाड़पुणा ही छड़ के पासे हो गया दूसरे जलाद नूं लिया के भाई साहब का बंद बंद कट के टोकरे च पाया जा रहा सी। भाई साहब जी ने सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर लिया टुकड़े टुकड़े होकर शरीर के जलाद ने कट कट के टोकरे च पा दते लेकिन संपूर्ण पाठ होण तक वो टुकड़े टुकड़े विच सुखमन साहब की आवाज़ जिहड़ी आ वो आउणो बंद नहीं होई। सतगुरु का हुक्म है जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी तत्वे ते रब दे प्यार ने गुरमुख रोम रोम हर त्यावै रोम भी जबाना बन जांदियां ने। भाई दयाला जी देगे विच रिज रिहा भी सुखमन साहब संपूर्ण कर रहा है। भाई तारू सिंह खोपड़ा लत्थे ते चौंकड़ा मार के 22 दिन बैठ सकदा है और वाहिगुरु मंत्र जपजी साहब का नितनेम। भाई मती दास जी आ रहे ना चीरिया जा रहा तो पंच प्रवान पंच प्रधान पाठ पहुँचा दो फाड़ हो गया दोवां फाड़ियों रेंदे बाकी जपजी साहब के पाठ की आवाज़ आने बंद नहीं हुई। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु घर के दरों करो वरो साहब ये बाबा मनी सिंह साहब के टुकड़ा टुकड़ा किए शरीर के बंद बंद विचों भी सुखमनी साहब का संपूर्ण होने तक आवाज़ बंद नहीं हुई। उस महापुरख की यह बहुत वड्डी शहादत है साढ़े वड्डियां दीयां कीतियां कुरबानियां ने जिन्हां नूं असीं अरदास भी याद करते हैं तो उन्हां दीयां कुरबानियां दा ध्यान भी धरते हैं जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चलवाए देगां विचों उबाले गए पट्टियां विचों होके गए कीमा कीमा कीते गए पट्टी लाहौर की जेल में 125 मण दे पीसने पीसे खनी खनी रोटी ते गुजारा कीता बच्चों के टुकड़ा टुकड़ा करवा के झोलियां च हार भरो के पवा लिया तिना पति वरता धर्म नहीं हारिया तिना समूह सिंघां सिंघणियां की पवित्र कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। ये साडा सुनहरी इतिहास है साडा विरसा है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हस्त कमल तो अमृत छक के सतगुरु के हुक्म च सारी जिंदगी पहरा दे के श्री हरिमंदर साहब की पावन पवित्रता कायम रखदिया होया बाबा मनी सिंह साहब जी ने कौम की चढ़ती कला कौम की बेहतरी वास्ते कौम की एकता वास्ते कौम की चढ़ती कला वेखण वास्ते जो महान कौत किए ने वो बाबा जी का सुनहरी इतिहास है जिन्हों चुठलाया नहीं जा सकता जिन्हों भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीदी दिहाड़े को समर्पित होंदिया होया मैं समुची सिख संगत को सतगुरु अगे अरदास है भी कौम को सतगुरु चढ़ती कला बख्शन तो असी महान उन्हां अपने सूरबीर योधियां वड्डियां पुरखियां तो सिक्ख्या लैके बाणी बाणी च तत्पर हो के धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित होईए बहुत वड्डी देण है। कल्ले इत्थे ही बस नहीं अपने परिवार के भरावां नूं अपने भतीजियां नूं अपने संगियां साथियां बेअंत जिन्हां की गिणती इतिहास विच आउंदी है गुरु पंथ के लेखे ला के शहादतां दे जाम पीते ऐसे महान शहीद का शहीदी दिहाड़ा है। साड़ी लख लख उन्हां शहीदां दे चरण कमलों ते साड़ी प्रणाम है और गुरु अगे अरदास है भी सतगुरु उन्हां शहीदां दीयां कीतियां कुरबानियां असी याद करके गुरु के सिख बन के गुरु के खालसे बन के पंथ की बेहतरी पंथ की चढ़ती कला गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार वास्ते तत्पर होकर कौम की सेवा करिए ये गुरु चरणा च अरदास है। सारे स्रोतियां दा सारे वीरां दा मैं बहुत धन्यवाद करदा संगत टीवी ते जिन्ने स्रोते सुन रहे हो सारियां नूं मेरी गुरफतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा राम सिंह जी
मुख्य सेवादार संघराणा जो साढ़े नाल भाई मनी सिंह जी का इतिहास साझा कर रहे सन। मैनू दिओ इजाजत, फतेह बुलाउंदे आ संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।